हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। 17 दिसंबर को DFCCIL द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में SNT और मैकेनिकल के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसका हम लगभग सभी नॉन टेक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत मंडपम कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली। रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अजय। अंडमान निकोबार भारत के किस क्षेत्र में आता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था हिंद महासागर, दिया गया था बंगाल की खाड़ी, ऐसे करके दिया गया, देख लीजिएगा आप जो सही किया है। 73वां संविधान संशोधन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका आंसर पंचायती राज व्यवस्था से था। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं, आर्टिकल 143 है। Q बराबर IT से एक क्वेश्चन था। जिला न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर राज्यपाल होगा। प्राथमिक उपभोक्ता से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, किसका मात्रक सेम है? जो ऑप्शन दिया गया था कार्य और उष्मा, वही वाला आंसर सही होगा। A4 साइज का डायमेंशन पूछा था, ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था, कौन बल और बल के दिशा में चली गई लंबवत दूरी है? जिसका आंसर कार्य है। इसका फॉर्मूला W = FS होता है। मनुष्य में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण के ट्रांसफर करता है या किसका प्रयोग से पता चलता है? तो ऑप्शन में मेंडल था, मेंडल के प्रयोग से ये पता चलता है। क्वेश्चन था, कौन समतलता और 90 डिग्री के कोण चेक करता है? ट्राई स्क्वायर। 6H पेंसिल का कौन सा प्रकार है? तो हार्डेस्ट प्रकार है ये। 8.0 दिया था जिसका आंसर 0 होगा। माइक्रोफोन परिवर्तित करता है ध्वनि एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? क्वेश्चन दिया गया था आपको। किसका उपयोग खोलने तथा बंद करने के लिए किया जाता है? स्पैनर का। AC को DC में बदलता है? रेक्टिफायर दिया गया था। मोडेम का फुल फॉर्म पूछा था जिसमें ये कथन वाला क्वेश्चन दिया गया था, पहला था मॉड्यूलेटर एंटी मॉड्यूलेटर, दूसरा कुछ और था इसी से रिलेटेड जिसके बारे में पूछा गया था। 9 को डेसिमल में बदलना था। किसी होल को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैकेनिकल का क्वेश्चन है, रिमिंग का। समसूत्री विभाजन में होता है, एक सेल अलग होता है। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या सफिक्स जुड़ा होता है? तो AL दिया था ऑप्शन में। इसमें एक से अधिक या डबल बॉन्ड बनता है तो एल्कीन हो जाएगा। ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 1 angstrom = 2 होता है 10^-10 मीटर। टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर इसका आंसर था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य पूछा गया था, धातु अपने प्योर स्टेट में चमकता है किस कारण से? ये तो ये धात्विक चमक होता है, मेटलिक प्रॉपर्टी है। मादा के किस अंग में निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में। 1 inch = 2.54 cm। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन था B, GDP जिसका अर्थ सकल घरेलू उत्पाद है, इनमें से क्या शामिल है? ऑप्शन दिया गया था, अब देख लीजिएगा जो आप सही किए होंगे। फ्लोरिन में कितने कार्बन से मिलकर बना होता है? तो 60 कार्बन से। इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल के आकार के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपावली हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक माह में मनाया जाता है। मीथेन का क्वथनांक कितना होता है? तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव ऑप्शन में था, जो निगेटिव वाला ऑप्शन था वही सही होगा। आई थिंक -161°C होता है शायद। भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? 1956 में की गई थी। कमरे के ताप पर कौन सा धातु लिक्विड स्टेट में रहता है? तो पारा। धातु का कौन सा गुण जिसमें पिटने पर शीट में बदल जाता है? तो ये मैलियबिलिटी होता है। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन है जो